इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आते हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ साई ट्रेडिंग कंपनी। फिर फर्स्ट में क्या दे रखा है, ऑन एवरेज डेटर आर कलेक्टेड आफ्टर 45 डेज, इन्वेंट्री हैव एन एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ 75 डेज एंड क्रेडिटर पेमेंट पीरियड ऑन एवरेज और इन 30 डेज। फिर द फर्म स्पेंड अ टोटल ऑफ रुपीज़ 120 लाख एनुअली एट अ कॉन्स्टेंट रेट। फिर इट कैन अर्न 10% पर एनम ऑन इन्वेस्टमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग अबव यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश साइकिल एंड द कैश टर्नओवर। फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन टू मीट द पेमेंट्स एज दे बिकम ड्यू। फिर थर्ड में क्या निकालना है, सेविंग बाय रिड्यूसिंग द एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बाय 30 डेज। तो कितना सेव कर पाएगा अगर 30 डेज रिड्यूस कर दिया जाएगा कलेक्शन उसका इन्वेंट्री टर्नओवर का। इन्वेंट्री टर्नओवर का टाइम कितना था, 75। चलिए पहले सम्स को समझते हैं फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट कर देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11, सबसे पहले सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है, कि डेटर के लिए कितना पीरियड दे रखा हुआ है, 45 डेज। इन्वेंट्री के लिए दे रखा हुआ है 75 डेज, और क्रेडिटर को कितना दिन में पैसा पे किया जा रहा है, 30 डेज। ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। फर्म टोटल कितना स्पेंड करता है, टोटल स्पेंडिंग कितना है फर्म का, 120 लाख। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 10% पर एनम। ये हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ था। अब कैश साइकिल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को समझना है कैश साइकिल क्या होता है। तो कैश साइकिल का मतलब ये होता है कि कितना दिन में हम लोग का पैसा रिटर्न आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल का स्टॉक खरीदेंगे, तो रॉ मटेरियल हम लोग का कितने दिन में आ रहा है, फिर WIP बनने में कितना दिन होगा, फिर फिनिश गुड्स लगने में हम लोग को कितना टाइम लगेगा, उसके बाद हम सामान जब बेच देते हैं तो डेटर हम लोग को कितना दिन में पैसा पे कर देगा, माइनस क्रेडिटर को हम लोग कितना दिन में पे कर देंगे। तो इतना दिन ये क्या हो जाता है हम लोग का कैश साइकिल, मतलब ये कैश साइकिल का मतलब हो गया कितना दिन में हम लोग का पैसा रिटर्न आ जाएगा, कितना दिन में हम लोग का पैसा रिटर्न आ जाएगा, तो हम लोग का कैश साइकिल हो जाता है। ठीक है, तो कैश साइकिल हो गया। तो अब आते हैं फर्स्ट नंबर पे, कैश साइकिल निकालना था हम लोग को, ए में कैश साइकिल निकालना है। तो कैश साइकिल क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री के लिए हम लोग को लग रहा था 75 डेज, डेटर के लिए कितना लग रहा था, 45 डेज, और क्रेडिटर को हम लोग चुका देते थे 30 डेज में। तो 75 प्लस 45 माइनस 30, तो कैश साइकिल कितना हो गया, 90 डेज का। कैश साइकिल कितने दिन का है, 90 डेज का है। अब कैश टर्नओवर निकालते हैं, तो कैश टर्नओवर कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 90 डेज। यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं कि टोटल ईयर में 360 डेज होगा, तो 360 डिवाइड बाय 90, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 4 times। एक साल में कितना बार पैसा घूम के वापस आता है, तो 4 बार पैसा घूम के वापस आता है। तो ये हो गया कैश टर्नओवर, अब समझ में आ गया। सेकेंड में क्या बोला है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन, तो कितना हम लोग को मिनिमम मेंटेन करना होगा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 120 लाख टोटल हम लोग का कितना स्पेंडिंग है, 120 लाख, और ये 4 बार होता है, ये 4 बार होता है तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा 30 लाख। तो मिनिमम हम लोग को मेंटेन कितना करके रखना होगा, मिनिमम कैश टू बी मेंटेन 30 लाख मेंटेन करना होगा, क्योंकि 4 बार साइकिल हैं, टोटल हम लोग स्पेंडिंग करते हैं 1,20,000 का, और 4 बार साइकिल हैं, तो कितना मेंटेन करना होगा, मिनिमम 30 लाख का। अब सी में बोला है कि कैश साइकिल जब निकालेंगे तो 75 डेज जहाँ पे था इन्वेंट्री के लिए, वहाँ 30 डेज से कम हो रहा है, तो 75 माइनस 30 हो गया, प्लस 45 डेज डेटर के लिए हैं ही, 30 डेज क्रेडिटर के लिए हैं ही, तो ये कितना आ जाता है हम लोग का, 60 डेज आ जाएगा, ये हम लोग का 60 डेज आ जाएगा। तो इस तरह से कैश टर्नओवर भी कितना हो जाएगा, तो कैश टर्नओवर इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 60, तो 6 times आ गया। तो मिनिमम कैश कितना आ जाएगा, मिनिमम कैश हम लोग को कितना होल्ड करके रखना होगा, तो 120 डिवाइड बाय 6, तो 20 लाख मिनिमम कैश हम लोग को होल्ड करके रखना होगा। तो सेविंग हम लोग कितना कर पाएंगे, तो पहले रखना पड़ता था 30 लाख, अब कितना रखना पड़ रहा है, 20 लाख, तो 10 लाख तो हम लोग को कम रखना पड़ रहा है, और उस 10 लाख को हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो हम लोग को रिटर्न कितना आ जाएगा, 10% का आ सकता है, तो 10%, तो ये इस तरह से हम लोग का कितना आ जाएगा, 10 लाख का 10%, तो ये हम लोग का आ गया 1 लाख रुपीज़। तो हम लोग का सेविंग कितना हो जाता है,
1 लाख रुपीज़। इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 11 कंप्लीट होता है।